हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर फाइन. वेलकम ऑल ऑफ यू इन हिंदी क्लास. बच्चों, ओपन पेज नंबर 59 ऑफ अलंकृत पुस्तक. ये देखिए, ये 21 डेट को मैंने आपको ये अभ्यास कार्य पूरा करने के लिए और याद करने के लिए दिया था. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा. कर लिया ना बच्चों? ओके. तो इसके प्रश्न उत्तर रह गए थे, ये हम करेंगे नोटबुक में. आपने भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं जब मैं पीडीएफ भेजूंगी. इस प्रश्न एक है, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जिन शब्दों से हमें पता चले कि कौन सा काम हो रहा है या कौन सा काम किया जा रहा है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, जिन शब्दों से किसी काम के करने मतलब कौन क्या काम कर रहा है, कोई भी है जो क्या काम कर रहा है या होने का, या अपने आप कई बार जैसे आप कहते हैं कि बारिश आ रही है तो वो काम हो रहा है ना, तो बारिश आने का काम हो रहा है, किसी के द्वारा करने या किसी के द्वारा अपने आप होने या किसी के द्वारा होने पर पता चलता है. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया. उन्हें क्रिया कहते हैं. अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया 2-3 बार. अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक यानी कर्म हट गया, कर्म के बिना. जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता. वाक्य में जो क्रिया हो रही होती है उसका किसे क्या जब हम प्रश्न लगाकर करते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिलता, तो यानी वो अकर्म क्रिया. ठीक है, सीता खाती है. अब काम क्या हो रहा है? खाती है. क्या काम हो रहा है? खाती है, खाने का. क्या खाती है? जवाब मिल रहा है आपको? सीता खाती है. मिल रहा है आपको जवाब? नहीं मिल रहा ना. कैसे खाती है, कहाँ खाती है, कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा. जब हमें जवाब मिल जाता तो वो क्या बन जाता? कर्म. क्रिया का जवाब मिल जाता कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो बन जाता है कर्म. लेकिन जिस अकर्म क्रिया में हमें वो जवाब नहीं मिलता यानी हमें कर्म नहीं मिलता, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है. जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको, उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है. प्रश्न 3 है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए. अब सकर्मक क्रिया क्या हो गया? अकर्मक क्रिया का उल्टा. उसमें कर्म नहीं मिलता, इसमें कर्म मिलता है. जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे रमेश खाना खा रहा है. अब काम क्या हो रहा है इसमें? क्रिया शब्द कौन सा है? खा रहा है. क्या खा रहा है? खाना. हमें जवाब मिल रहा है तो ये क्या बन गया? कर्म. ये कर्म कहलाएगा ना. तो क्रिया के साथ, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया. रीना स्वेटर बुनती है. क्रिया शब्द बुनती है. क्या बुनती है? स्वेटर. तो कर्म क्या बन गया? स्वेटर. ठीक है. तो जिन वाक्यों में, ये वाक्य है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. साथ ही साथ बच्चे ओपन करो पेज नंबर 80. विलोम शब्द जो हमारे 1 से लेकर 20 तक हम पिछले सेमेस्टर में कर चुके हैं, आगे हम 21 से लेकर 45 तक आज रिवाइज करेंगे. गुण अवगुण, गुण दोष या अवगुण. गुण विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द. गुण दोष या अवगुण भी लिख सकते हो आप. अंधकार अंधेरा, प्रकाश रोशनी. लेकिन
अंधेरे के साथ हम रोशनी लिखेंगे, अंधकार के साथ क्या लिखेंगे प्रकाश। विलोम शब्दों की ये शर्त होती है कि तत्सम शब्दों के साथ तत्सम शब्दों को ही विलोम शब्दों में लिखा जाता है और तद्भव शब्दों को तद्भव। यानी विलोम शब्द में अगर तत्सम शब्द दिया है तो हम तत्सम शब्द में ही उत्तर देंगे। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द। और तद्भव जिन तत्सम शब्दों में संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं तद्भव। तो ये अंधकार जो है तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर भी हम संस्कृत भाषा में ही देंगे प्रकाश। ठीक है, अंधेरा, अंधेरा तद्भव शब्द है तो उसका उत्तर हम देंगे रोशनी। ठीक है, अंधकार आया तो हम क्या लिखेंगे प्रकाश। स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ जो ठीक ठाक हो, अस्वस्थ जो ठीक न हो, स्वस्थ अस्वस्थ। लायक नालायक, लायक जो काम काज के काबिल हो, नालायक जो किसी काम का ना हो, लायक नालायक। रोगी निरोगी, रोगी जिसको रोग लगा हो, निरोगी जिसको रोग ना लगा हो, रोगी रोग वाला, निरोगी बिना रोग वाला, रोगी निरोगी। एक अनेक, एक अनेक। नवीन प्राचीन, अब देखिए नवीन प्राचीन, हम नवीन का क्या लिख रहे हैं प्राचीन, नवीन का अर्थ वैसे क्या होता है नया, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, लेकिन नया और पुराना क्या है तद्भव शब्द, नवीन और प्राचीन क्या है तत्सम शब्द। तो तत्सम का उत्तर तत्सम में ही देना है, नवीन प्राचीन। क्रय विक्रय, क्रय क्रय क्या होता है खरीदना, विक्रय बेचना। देव दानव, देव क्या होता है ईश्वर, दानव क्या होता है राक्षस। देव दानव। वीर कायर, वीर कायर। अनुज अग्रज, अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, अनुज अग्रज। स्वार्थ परमार्थ, स्वार्थ होता है अपने, अपने लिए जो सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचना, और परमार्थ होता है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए कुछ करना, स्वार्थ होता है अपने लिए कुछ करना, सिर्फ अपने लिए। स्वार्थ परमार्थ, परम प्लस अर्थ, दूसरों के लिए करना कुछ। शुभ अशुभ, शुभ क्या होता है सही, अशुभ गलत, शुभ अशुभ। इच्छा अनिच्छा, इच्छा अभिलाषा, अनिच्छा अभिलाषा न हो, जिस चीज की इच्छा न हो, इच्छा अभिलाषा। धूप छाया, धूप छाया। भारी हल्का, भारी हल्का। लाभ हानि, लाभ हानि। हर्ष शोक, हर्ष क्या होता है खुशी, शोक दुख। तो वही कंडीशन, हर्ष जो है तत्सम शब्द है तो हम इसका अर्थ क्या लिखेंगे शोक। हिंसा अहिंसा, हिंसा अहिंसा। सरस नीरस, सरस मतलब रस सहित, जिसमें रस हो, नीरस बिना रस के, सरस नीरस। नूतन पुरातन, अब नूतन भी क्या होता है नया, पुरातन पुराना, लेकिन नूतन के साथ हम पुरातन नहीं लिखेंगे, पुराना नहीं लिखेंगे, नूतन पुरातन। मान अपमान, मान इज्जत अपमान बेइज्जती, मान अपमान। उपकार अपकार, उपकार होता है भलाई, अपकार होता है बुराई। उपकार अपकार, उपकार अपकार। सौभाग्य अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य, दुर बुरा, भाग्य किस्मत बुरी किस्मत, सौभाग्य अच्छी किस्मत। सौभाग्य दुर्भाग्य, सौभाग्य दुर्भाग्य। राजा रंक, या प्रजा भी लिख सकते हो आप, राजा रंक प्रजा, राजा रंक प्रजा। अब देखिए इसमें बताया गया, देखिए जो वही बात जो तत्सम शब्दों वाली मैंने बताई थी ना अभी, तद्भव के साथ तद्भव और तत्सम के साथ तत्सम शब्द हम लगाएंगे। तो ये देखिए प्रातः
ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने, प्रातः साय, प्रातः का विलोम शब्द क्या बनेगा, साय, दिवस का रात्रि, दिवस रात्रि, दिन रात, सुबह शाम, सुबह शाम। तो ये आपने बच्चों 1 से लेकर 20 तक तो फर्स्ट सेमेस्टर में लिख लिए थे, कर लिए थे याद। अब आपने करनी है 21 से लेके 45 तक, 21 से लेके 45 तक अपनी नोटबुक में लिखने भी है और याद भी करनी है, और वो प्रश्न उत्तर भी अच्छे से नोटबुक बनानी है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ नोटबुक में लिखने वाला काम, वैसे ही आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।